हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओवरऑल स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द ओवरीज। ओवरीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ओवरीज क्या है? दे आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर। एंड द सेकंड, द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द ओवरी, सॉरी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द एक्सेसरी डक्ट। द फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, these are the fallopian tubes. Let me draw it again for the convenience. So these are the ovaries, and you know the ovaries are not freely hanged, they are attached with the uterine wall with the help of ligament, and these ligaments that I am drawing here, these are the pelvic ligament, mesorchium. Okay, now the next component are the fallopian tubes. These are the fallopian tubes. If you have the pen and pencil, you can practice the diagram at this time. आप डायग्राम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं यहीं पे भी। ओके, सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द एक्सेसरी डक्ट, दीज आर द फेलोपियन ट्यूब। यहां से शुरू होके ये यहां तक का जो कंपोनेंट है, ये पूरा क्या है आपका? फेलोपियन ट्यूब है। नाउ वी विल सी द फेलोपियन ट्यूब्स आर नॉट अटैच्ड विद द ओवरी। फेलोपियन ट्यूब ओवरी से अटैच्ड नहीं है, दे आर ओवर हैंगिंग एट द पेरिफेरी ऑफ ओवरी। ये ओवरी की पेरिफेरी पे सिर्फ ओवरहैंग कर रही हैं। एट द टिप ऑफ द मार्जिन ऑफ फेलोपियन ट्यूब यू कुड सी द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड फिम्ब्रीज। इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड फिम्ब्रीज। फिम्ब्रीज आर लोकेटेड एट अ फनल शेप्ड पार्ट। ये जो फनल शेप्ड पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का, लाइक दिस, दिस इज कॉल्ड इनफुंडिबुलम। इनफुंडी Bulum. Then you could see this wider part of the fallopian tube, it is called ampulla. And then this long cylindrical part of the fallopian tube, it is called isthmus. So you could see the fallopian tube is having a length of around 10 to 12 centimeter, and due to the different structural modification, the fallopian tube can be further differentiated into three parts. The finger-like projections are fimbries. Then the funnel-shaped part of the fallopian tube is infundibulum. Then wider part is the ampulla, and the cylindrical part is the isthmus. Now these fimbries are so important. Why they are important? Because as the result of ovulation, the egg will be released from the ovary in the pelvic cavity. Egg kahan release hua? Is pelvic cavity mein release hua. So these fimbries, by their movement, creates a suction. जैसे एक वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वैक्यूम क्लीनर किसी भी चीज को वैक्यूम के थ्रू सक कर लेता है, सिमिलरली दीज फिम्ब्रीज विल क्रिएट अ सक्शन, एंड बाय दैट सक्शन दे विल सक अप द एग। सक्शन के थ्रू ये क्या करेंगी? एग्स को सक अप कर लेंगी। सो द फिम्ब्रीज आर देयर फॉर द क्रिएटिंग द सक्शन टू सक अप द एग रिलीज्ड इनटू द पेल्विक कैविटी। सो द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स आर क्लियर, इज इट अ नॉट? Yes, sir. It's clear. Isthmus and ampulla, इनका जो जंक्शन है इसको बोलते हैं एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन, एंड दिस इज द पार्ट वेयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस। दैट मींस रिप्रोडक्शन के दौरान स्पर्म मूव करके कहां पहुंचेंगे? एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन में। एग यहां से सकअप होके कहां पहुंचेगा? एम्पुलरी स्थेमिक जंक्शन में, और यहां पे इन दोनों का फ्यूजन होगा, यहां पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम of the accessory duct, you could say, is that this inverted pear like structure, and this is called uterus, or it is also called womb. इसी को हम गर्भ भी बोलते हैं। Why it is called womb? Because this is the part which is responsible for the development of embryo. इसी part के अंदर embryo का development होता है, thus it is called womb. Or you could say the uterus, its shape is like a inverted pear. इसकी shape कैसी है? एक उल्टे
पियर की तरह, जैसे नाशपाती को हमने उल्टा करके रख दिया, दैट काइंड ऑफ शेप इट हैज. सो दिस इज द यूटेरस. द कैविटी ऑफ यूटरस इज द यूटराइन कैविटी और वॉर्म. द वॉल ऑफ यूटरस, यू कुड सी इट इज क्वाइट थिक, काफी थिक है वॉल. द वॉल ऑफ यूटरस इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर, और यू कुड से द टिश्यू इन द वॉल ऑफ यूटरस कैन बी डिफरेंशिएटेड इंटू थ्री पार्ट, इंटू थ्री लेयर. अगर मैं सिर्फ इतना ही डायग्राम अलग से बना दूं, तो सबसे बाहर की जो लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, आउटर मोस्ट लेयर, एंड इट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम. व्हाट इट इज कॉल्ड? पेरीमेट्रियम. देन द मिडिल लेयर इज क्वाइट थिक एंड मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स. और मसल्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मायो. एंड मेट्रियम इज वॉल ऑफ यूट्रस. सो दिस लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम. एंड द इनर लेयर which has the glandular cells, which has the uterine gland and rich supply of blood vessel, this layer is called endometrium. So you could see the wall of uterus is made up of three different type of tissue. The outermost is perimetrium, middle one made up of smooth muscle is called myometrium, and the innermost is made up of uterine gland and it is called endometrium. Is it clear? Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. The three layer has different function. The perimetrium is protective in function. It protects the uterus. Myometrium is made up of smooth muscles, and these smooth muscles contract and relax and produce the contraction and relaxation at the time of parturition. Parturition ke dauran जो बेबी का एक्सक्लूजन है बाहर की तरफ, बेबी जो बाहर की तरफ निकलता है, वो इन्हीं स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू होता है. दैट मींस द लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, द स्मूथ मसल्स ऑफ मायोमेट्रियम हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ पॉर्चुरेशन. द नेक्स्ट लेयर इज द एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइक्लिक चेंजेस एवरी मंथ. हर एक मंथ में जो साइक्लिक चेंजेस यूट्रस में होते हैं, वो सारे चेंजेस एक्चुअली एंडोमेट्रियम में होते हैं. दिस इज द लेयर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लांटेशन. दैट मीन्स अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस में आ गया, तो वो ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम में ही अटैच होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन. सो एंडोमेट्रियम हैज द यूटराइन ग्लैंड, इट अंडरगोज द साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दिस इज द लेयर which is responsible for the implantation process also. Yehi wo layer hai jahan pe embryo aake implant hota. Is it clear now? Yes, sir. Now the uterus continues into a narrow canal. Is canal ko hum kya bolte hain? This is called cervix. Cervix. Aur iske andar jo cavity hai, this cavity is called सर्वाइकल कैनाल. सर्वाइकल कैनाल कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड वेजाइना. नाउ यू कुड सी दिस सर्वाइकल कैनाल और दिस सर्विक्स इज एक्टिंग एज अ ओपनिंग ऑफ यूट्रस इनटू द वेजाइना. ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू यूटराइन कैविटी इज कम्युनिकेटिंग विद द vagina. Is it clear? Is it clear, yes, or sir. Not? Now, yes, sir. Remember, the baby develops inside the uterus. Baby कहाँ develop होता है? Uterus के अंदर. जब baby का birth होगा, तो उस time वो कौन सी canal से गुजरेगा? पहले वो cervical canal से गुजरेगा, और फिर वो vagina से गुजरेगा, and then it will come outside. Am I right? Yes, sir. So that is why the combined सर्वाइकल कैनाल एंड द वेजाइना कलेक्टिवली नोन एज बर्थ कैनाल. इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल, बिकॉज दिस इज द कैनाल थ्रू विच द बेबी एक्सप्लूड आउटसाइड. सो दिस इज द ओवर व्यू अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. नाउ सम ऑफ द पार्ट इज लेफ्ट, दैट इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया. द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड द फाइव थिंग्स. द फर्स्ट वन is the mon pubis, second is the labia majora, labia minora,
hymen and the clitoris. The most important one is the hymen. Hymen is nothing for, suppose this is the vaginal opening. This is the vaginal opening. So vaginal opening is partially covered, not completely, but partially covered with a thin membranous structure, and this thin membranous structure is called hymen. इसी को क्या बोलते हैं? Hymen बोलते हैं. Why it is partially covered? क्योंकि अगर ये completely covered होगी तो menstrual discharge नहीं हो पाएगा. Thus, it is partially covered. So, vaginal opening is covered with a partially covered with a membranous structure which is called hymen. Now, previously, hymen was considered as the sign of virginity. Hymen को क्या माना जाता था? It is a sign of virginity. A female having the hymen will considered as a virgin. Or if she is lacking the hymen, it cannot be considered as a virgin. ये चीज पहले सोची जाती थी. But later on, when we study about it. Texture, तो हमने ये देखा कि the thickness of the hymen may vary in different females. अलग-अलग females में hymen की thickness vary कर सकती है. किसी-किसी case में ये इतनी thin होती है कि during the some adventurous sports like cycling, like खो-खो, like कबड्डी या हल्के से झटके से भी it can be ruptured. Okay? And किसी-किसी case में ये इतनी thick होती है कि sexual intercourse के बाद भी ये ruptured नहीं होती. That means जो previously सोचा जाता था, the presence of hymen is a sign of virginity is not true. किसी female में अगर ये thick है तो sexual intercourse के बाद भी exist कर सकती है, और किसी female में ये thin है तो ये किसी दूसरी activity, cycling वगैरह से भी ruptured हो सकती है. So thus the presence of hymen, which was previously considered as a sign of virginity, now it is not a reliable sign of virginity. Hymen की presence or absence virginity का कोई भी indication present नहीं करता. It could be broken down or it may be persist after the sexual intercourse. So this is the overall introductory account about the female.